ओके तो स्टार्ट किया जाए। हेलो तो आज हम लोग स्टार्ट करेंगे ऑक्सी एसिड्स ऑफ नाइट्रोजन। ठीक है, कहाँ से स्टार्ट करेंगे? ऑक्सी एसिड्स ऑफ नाइट्रोजन। ठीक, तो कैसे कैसे होता है वो जानेंगे, देखेंगे। और ऑक्सी एसिड्स तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, पूरा का पूरा इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, पूरा ऑर्गेनिक में यदि हम बात करें, ऑक्सी एसिड्स काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और खास करके जो पी ब्लॉक के आ जाते हैं वो तो बहुत ज़्यादा ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ऑक्सी एसिड्स जनरली देखने को जो मिलते हैं अपने पास। ठीक, तो यहाँ पे जो है ऑक्सी एसिड्स ऑफ क्या, नाइट्रोजन। ठीक है, ऑक्सी एसिड्स ऑफ नाइट्रोजन, जिसमें दो खास तौर पे अपने को जो देखने हैं वो कौन सा है, नाइट्रस एसिड एंड नाइट्रिक एसिड। ठीक है, पहला कौन सा है, नाइट्रस एसिड, और दूसरा कौन सा है आपका, नाइट्रिक एसिड। ठीक है, नाइट्रस एसिड एंड नाइट्रिक एसिड, जिसमें VBI कौन सा है आपका, नाइट्रिक एसिड। नाइट्रिक एसिड जो है वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट मानते हैं हम लोग। ठीक है, कई बार क्वेश्चन इससे आ चुका है। तो नाइट्रिक एसिड का सबसे पहले हम लोग देखेंगे। ठीक है, नाइट्रिक एसिड में हम मतलब कि बेसिकली जो है वो किसके लिए है, मतलब किसके बारे में देखना है, नाइट्रिक एसिड के बारे में। ठीक है, दो है यहाँ पे, कौन कौन सा, नाइट्रस एसिड और कौन कौन, और कौन है, नाइट्रिक एसिड। कौन सा हम लोग देख रहे हैं, नाइट्रिक एसिड का। ठीक है, ठीक है, तो सबसे पहले क्या है, प्रिपरेशन देखेंगे, कैसे प्रिपरेशन हो रहा है। और ये प्रिपरेशन कौन सा है हमारा, लेबोरेटरी वाला। ठीक है, कौन सा है, लेबोरेटरी वाला। तो कहता है कि यदि हम लोग हीट करेंगे सोडियम नाइट्रेट को, ठीक है, या फिर पोटासियम नाइट्रेट को कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 के साथ, तो उसमें से गैस रिजॉर्ट होगा। ठीक है, सॉरी, ग्लास इन अ ग्लास रिजॉर्ट, यानी कि एक ग्लास में हम लोग क्या करेंगे, हीट करेंगे। ठीक है, अब हीट करने पर, ठीक है, बेसिकली इसको इसके साथ क्या करेंगे, ये करेंगे, हीट करेंगे, हीट करेंगे तो क्या निकलता है, ये सोडियम सल्फेट, और ठीक है, और ये HNO3 का फॉर्मेशन होता है यहाँ पे। ठीक है, तो ये हो गया क्या, लेबोरेटरी मेथड। लेकिन जैसे ही हम चले जाएंगे ये वाला, ठीक है, यही अपने को चाहिए था, जैसे ही हम चले चले जाएंगे इंडस्ट्रियल मेथड। इंडस्ट्रियल मेथड में क्या कहता है कि लार्ज स्केल पे अपने को प्रिपेयर करने के लिए जो हम लोग प्रिपेयर करते हैं वो एक प्रोसेस है, और उस प्रोसेस का नाम है ओसवाल्ड प्रोसेस, वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये किस प्रोसेस के बारे में बात कर रहा, ओसवाल्ड प्रोसेस के बारे में। ठीक, अब इसमें तो होता क्या है, तो इसमें जो है वो कैटलिटिक ऑक्सीडेशन होता है। कैटलिटिक ऑक्सीडेशन होता है किसका, एमोनिया का। ठीक है, किसके द्वारा, तो एटमोस्फेरिक ऑक्सीजन के द्वारा, एटमोस्फेरिक ऑक्सीजन के द्वारा जो है, ठीक है, एटमोस्फेरिक ऑक्सीजन के द्वारा जो है, एटमोस्फेरिक ऑक्सीजन के द्वारा जो है, तो हम लोग क्या करते हैं, इसका कैटालिटिक ऑक्सीडेशन करवाते हैं। ठीक, किसका, एमोनिया का। देखेंगे जरा सा क्या हो रहा है, ठीक है, देखेंगे जरा सा क्या हो रहा है कि ठीक है, तो यहाँ से जो रिएक्शन होगा वो कैटालिटिक ऑक्सीडेशन, वो ऐसा है। यहाँ पे क्या है भाई, तो NH3 यहाँ पे हम ले रहे हैं, साथ ही साथ क्या, ऑक्सीजन है, और कितना टेम्परेचर हम लोग ले रहे हैं, तो 500 केल्विन टेम्परेचर, और कैटलिटिक ऑक्सीडेशन है, तो क्योंकि इसमें कैटलिस्ट का इस्तेमाल करेंगे, और कैटलिस्ट के तौर पे क्या इस्तेमाल हो रहा है, प्लेटिनम। क्या इस्तेमाल यहाँ पे हो रहा है, प्लेटिनम। ठीक है, प्लेटिनम। ठीक, उसके बाद यहाँ पे बनेगा क्या, 4NO बनेगा। ठीक है, उसके बाद क्या बनेगा, 6H2O बनता है गैस। ध्यान में रखना है, नो फॉर्म्ड, ठीक है, NO फॉर्म्ड। ठीक है, क्या बन रहा है आपका, NO जो है वो बन रहा है यहाँ पे, और कंबाइन विथ ऑक्सीजन टू फॉर्म NO2, और ये ऑक्सीजन के साथ फर्दर कंबाइन करके क्या बना देता है, NO2 बना देता है, यानी कि NO, ठीक है, O2 क्या बन जाएगा, 2NO2। ठीक, अब यहाँ पे आपको याद होगा कि जब भी हम लोग इसका क्या कर रहे हैं, एक तरह से हाइड्रोलिसिस, इसका NO2 का, NO2 जब भी हम लोग, सॉरी, वाटर के साथ जब भी हम लोग रिएक्शन करवाएंगे तो क्या करता है ना, कि ये इसका यहाँ पे कितना ऑक्सीडेशन स्टेट है, तो इसका यहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट है +4। ठीक है, तो वाटर के साथ जब भी करवाते हैं, तो मतलब जिसका जिस भी ऑक्साइड के साथ वाटर के साथ करवाते हैं, यदि उसका जो भी ऑक्सी एसिड्स बनता है वो हम लोग बनाते हैं, तो +4 का कोई ऑक्सी एसिड्स होता नहीं है। ठीक
तो +3 वाले और +5 वाले का हम लोग ऑक्सी एसिड मतलब रिजल्ट के तौर पे बनता है, आंसर के तौर पे आता है, तो बोलते हैं एवरेज करते हैं और डिसप्रोपोर्शनेट रिएक्शन हो जाता है। इसके बारे में कल भी बताए थे हम। तो +4 है तो +3 वाले का हम लोग क्या बनाएंगे, +3 वाले का बनेगा HNO3 और +5 वाले का क्या बनेगा HNO2 और HNO3। तो ये दोनों का +3 और +5 कितना हो गया 8, और 8/2 कितना हो जाएगा 4, ठीक है +4। तो इन दोनों का एवरेज जो है वो हम लोग ले मतलब कि आना चाहिए यहाँ पे, ठीक। तो ऐसे लिए हुए तो ये बेसिकली क्या हो जा रहा है, नाइट्रिक एसिड भी बन जा रहा है। अब ये मतलब ये HNO2 इसको रिएक्शन फिर वाटर से करवा देंगे, +3 वाला है तो फिर से आपका क्या बन जाएगा HNO3, ठीक है, +3 वाला ये और साथ 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 NO, ठीक है, और ये H2O बनता है। तो ये आपका मेन जो है फिर से आपका आ गया क्या, यहाँ पे देखेंगे NO+NO2 किए थे तो सॉरी NO+O2 किए थे तो 2NO2 बन गया था, यानी कि अब फिर से ये रिसाइकल्ड होगा पूरा का पूरा क्या होगा, रिसाइकल्ड होगा, क्योंकि NO मेरे पास फिर आ गया। अब फिर NO में हम क्या करेंगे, O2 डालेंगे, ठीक है, फिर NO में O2 डालेंगे तो ये यहाँ पे क्या 2NO, ठीक है, उसके बाद फिर क्या करेंगे, फिर 2NO2 लेंगे और यहाँ पे सॉरी 2NO2 और फिर यहाँ पे क्या डाल देंगे हम लोग वाटर, तो वाटर से फिर से ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, ये +3 का है, ये किसका है +3 का, तो सॉरी +4 का, तो +4 का तो मिलता नहीं तो एवरेज इसका ये करना पड़ेगा, यानी HNO3, ठीक है, प्लस और सॉरी HNO3 और साथ ही साथ क्या बनेगा HNO2, ये बन गया। फिर से दोबारा वही प्रोसेस जो है वो चालू होते जाएगा, ठीक है, कंटिन्यू होते जाएगा ये दोबारा NO बन जाने के कारण। आगे देखते हैं, अब यहाँ पे खास बात बताता है, क्या बोलता है कि 68% HNO3 जो है बायोमास यहाँ पे आपको मिलता है, कितना परसेंट मिलता है, 68% HNO3 बायोमास मिलता है, जिसमें 68% तो ये रहता है और तकरीबन 32% क्या मिलता है, 32% वाटर रहता है, ठीक है, एजियोट्रॉपिक नॉट सेपरेटेड फर्दर, ये ध्यान में रखना है, ये एजियोट्रॉपिक होता है यानी कि इसको फर्दर हम लोग सेपरेट नहीं कर सकते हैं, लेकिन यदि अपने को 98% नाइट्रिक एसिड बनाना है, अचीव करना है, तो बाय डिहाइड्रेटिंग विथ कॉन्क H2SO4, यानी कि डिहाइड्रेटिंग एजेंट के तौर पे H2SO4 का यहाँ पे अपने को इस्तेमाल करना होगा, ठीक। यदि हम प्रॉपर्टीज की बात करें तो प्रॉपर्टीज क्या है भाई, ये कलरलेस लिक्विड होता है, ठीक है, इसका मेल्टिंग पॉइंट 231 केल्विन और बॉइलिंग पॉइंट 255 केल्विन को देखने को मिलता है, ठीक। लेबोरेटरी ग्रेड पे यदि हम बात करें तो HNO3 68% बायोमास बनता है, ठीक है, और इसका स्पेसिफिक ग्रेविटी जो होता है वो 1.504 होता है, ठीक है, लेबोरेटरी ग्रेड पे कितना बनता है, यानी कि ये वाला जो बन रहा था वो किस पे हम लोग बना रहे हैं, लेबोरेटरी पे प्रोसेस लेबोरेटरी मेथड वाले पे ही ये आपका जो है वो बनता हुआ नजर आ रहा था, ठीक है, लेकिन सॉरी ये इंडस्ट्रियल मेथड था, ठीक है, इंडस्ट्रियल मेथड था और यहाँ पे लेकिन ये बन कितना रहा था 68%, यहाँ पे ये भी बोलता है कि लेबोरेटरी ग्रेड पर ये कितना बनता है 68% बाय मास और इसका स्पेसिफिक ग्रेविटी कितना होता है 1.054। यहाँ पे ये यदि देखेंगे दूसरा प्रॉपर्टीज तो क्या बोलता है, ये गैसियस स्टेट में एग्जिस्ट करता है, ठीक है, और इट एग्जिस्ट एज अ प्लेनर मॉलिक्यूल, ये प्लेनर मॉलिक्यूल होगा क्योंकि स्ट्रक्चर ही ऐसा होगा, प्लेनर मॉलिक्यूल होने के कारण क्या हो जाएगा, sp2 हाइब्रिडाइज होगा, sp2 हाइब्रिडाइज होगा तो कैसा होगा, ट्रायंगुलर प्लेनर आपको देखने को मिलता है, ट्रायंगुलर प्लेनर जो है वो देखने को मिले, बात समझ में आया। उसके बाद क्या है भाई, उसके बाद बोलता है यहाँ पे कि इन एक्वस सॉल्यूशन, ठीक है, इन एक्वस सॉल्यूशन नाइट्रिक एसिड बिहेव्स एज स्ट्रॉन्ग एसिड, ठीक है, एक्वस सॉल्यूशन में नाइट्रिक एसिड जो है वो बिहेव करता है एज स्ट्रॉन्ग एसिड के द्वारा, क्यों, क्योंकि उसमें क्या मिलेगा, H+ आयन वो देता है वहाँ पे, तो जैसे HNO3 वाटर में डाले हम लोग, ठीक है, वाटर में डाले हम लोग, तो वाटर में डालने के बाद क्या बनता है हाइड्रोनियम आयन और ये क्या बनता है NO3 आयन। अब ये हाइड्रोनियम आयन का मतलब क्या हो गया, इसमें क्या है H2O और साथ ही साथ क्या है ये H+ दोनों मिल करके बना हुआ है, तो H+ आपको दे रहा है, इसका मतलब ये क्या हो गया, एसिडिक हो गया, ठीक है, इसका मतलब ये क्या हो गया, एसिडिक हो जाता है, बात समझ में आया। अब कहता है इसका ऑक्सीडाइजिंग नेचर और इसका प्रॉपर्टी जो है, क्या बोलता है ऑक्सीडाइजिंग नेचर, ये ऑक्सीडाइजिंग नेचर का भी है, ठीक, तो क्या बोलता है HNO3 जो होता है वो पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है और अटैक करता है
मैक्सिमम मेटल्स पे, ठीक है, नॉन मेटल्स पे, और कभी कभी, ठीक है, मेटल्स नॉन मेटल वगैरह पे ये क्या करता है, एक तरह से अटैक करता है, ठीक है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है ना, और मेटलॉइड पे भी कभी कभी, लेकिन यहाँ पे जो है ना एक्सेप्ट क्या है भाई, तो एक्सेप्ट गोल्ड एंड प्लेटिनम, गोल्ड और प्लेटिनम को ये ऑक्सीडाइज नहीं कर पाता है, क्योंकि गोल्ड और प्लेटिनम काफी इनर टाइप के मेटल्स होते हैं, जो कि एयर के भी कॉन्टेक्ट में आने आने पे बहुत ज्यादा रिएक्शन इनमें नहीं होता, मतलब न के बराबर, वो तो देखते ही, प्लेटिनम में तो सबसे कम, और जो प्रोडक्ट ऑफ ऑक्सीडेशन रहेगा, ठीक है, यानी कि प्रोडक्ट ऑफ जो ऑक्सीडेशन रहेगा वो किस पे डिपेंड करेगा, वो डिपेंड करेगा कंसंट्रेशन ऑफ एसिड पे, कि एसिड कितना ज्यादा कॉन्क है, ठीक है, ज्यादा कॉन्क रहेगा तो कुछ और बनेगा, डाइल्यूट रहेगा तो कुछ और बनेगा, ठीक है, और किस पे डिपेंड करता है भाई, तो टेम्परेचर पे, किस पे डिपेंड करेगा, टेम्परेचर पे, और साथ ही साथ किस पे डिपेंड करेगा, नेचर ऑफ मेटल पे, ठीक है, यानी मेटल खुद ज्यादा रिएक्टिव है कम रिएक्टिव है उस पर भी ये डिपेंड करता है, तो तीन चीजों पे ऑक्सीडेशन जो है, ठीक, ऑक्सीडाइजिंग नेचर जो है HNO3 का वो डिपेंड करेगा, सबसे पहले क्या हो जाएगा कंसंट्रेशन ऑफ एसिड, दूसरा क्या हो जाएगा टेम्परेचर, तीसरा क्या हो जाएगा आपका नेचर ऑफ मेटल, ठीक है, यदि हम बात करें सबसे पहले विथ नॉन मेटल, नॉन मेटल के साथ यदि हम बात करें तो ये बनेगा क्या, HNO3 कन्वर्ट हो जाएगा NO2 में, HNO3 कन्वर्ट किस में होगा, NO2 में, ये ध्यान में रखना है, तो जैसे I2 कन्वर्ट किस में हो जाएगा, ये क्या बनेगा अपना HIO3, ठीक है, HIO3, ठीक, HIO3 बन जाएगा, I2 किस में बनेगा HIO3, ठीक है, C किस में बनेगा CO2, S किस में बनेगा H2SO4, P किस में बनेगा H3PO4, ठीक, क्लियर है, अब यहाँ पे अब देखेंगे जरा सा, और साथ ही साथ इसमें क्या बनेगा NO2, मतलब ये तो मेन प्रोडक्ट है, और HNO3 और क्या बन जाएगा NO2 प्लस क्या बनेगा NO2, और साथ ही साथ वाटर भी मिलता है, लेकिन फिर उसके बाद फिर हम लोग बैलेंस करेंगे, ठीक है, ध्यान में रखेंगे ये कार्बन जो है वो ग्रेफाइट ही है, डायमंड के साथ नहीं होता है रिएक्शन, ठीक है, डायमंड के साथ ये रिएक्शन नहीं होता, ये भी बात ध्यान में रखेंगे, डायमंड के साथ ये रिएक्शन नहीं देखने को मिलेगा, ठीक, अब आगे बढ़ते हैं, ठीक है, अब इसी को जो थोड़ा सा है और अच्छे से समझेंगे ये पूरा मैकेनिज्म क्या बोलता है, अब जैसे HNO3 था तो हम क्या बोले थे कि HNO3 किस में कन्वर्ट होगा, ठीक है, ये हाफ रिएक्शन हम लिख रहे हैं, हाफ रिएक्शन, कुछ कुछ हाफ रिएक्शन लिख रहे हैं, पहले उसको देखें, HNO3 कन्वर्ट, HNO3 बन रहा है HNO2 प्लस वाटर, ठीक है, ऐसा मतलब कि देखने को मिल सकता है, HNO3, ठीक है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, इसमें कन्वर्ट कर सकता है NO, ठीक है, और 2H2O में, अरे भाई ऑक्सीडाइजिंग है ना, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है तो वो उसी का हाफ रिएक्शन लिख रहा है, उसके बाद 2HNO3 लिख रहे हैं तो सॉरी 2HNO3 का क्या हो जाएगा N2O हो सकता है और 5H2O, और HNO3 का क्या हो सकता है NH4 प्लस सॉरी NH4NO3, ठीक, डाइल्यूट यदि लेते हैं, खास बात यह है कि क्या बोले थे कि नेचर ऑफ सॉरी कंसंट्रेशन ऑफ इस पर डिपेंड करेगा, तो यहाँ पे कंसंट्रेशन क्या है, ये कॉन्क है, ये क्या है कॉन्क है, ठीक है, ये क्या लिए हैं डाइल्यूट लिए हैं, ये डाइल्यूट लिए हैं, ठीक है, और ये क्या लिए हैं वेरी डाइल्यूट लिए हैं, तो इनका कंसंट्रेशन अलग अलग है, देखेंगे कंसंट्रेशन अलग अलग है तो यहाँ पे जो प्रोडक्ट के तौर पे बन रहा है वो भी क्या है अलग अलग हो रहा है, अब इसको ऑक्सीडाइजिंग नेचर के लिए क्या कर रहे हैं इलेक्ट्रॉन दे रहे हैं प्लस हाइड्रोजन, ठीक है, तो ये पूरा रिएक्शन +5 वाले में है, +4 में जाएगा, अब ये किस में था +5 से +2, तो कितना का डिफरेंस 3 का, तो 3 इलेक्ट्रॉन +3H होगा, ठीक है, होगा ना, तभी तो ये पूरा रिएक्शन बैलेंस होगा, +5 वाले में है किस में जा रहा है +1 वाले में जा रहा है, ठीक है, तो कितना हो जा रहा है आपका चेंज कितना का आ रहा है 4 का, ठीक है, तो कितना है यहाँ पे, अच्छा ये 2 है ना, तो कितना कर देंगे 8 का, 8 इलेक्ट्रॉन +8H, ठीक, ये पूरा का पूरा, अब जैसे कि ये वाला यदि हम लोग ले रहे हैं, ठीक है, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा HNO3, ठीक है, HNO3 ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, किसमें कन्वर्ट हो रहा है NH3 में, ठीक है, किसमें कन्वर्ट हो रहा है NH3, और साथ ही साथ किसमें आपका वाटर में, ठीक है, तो यहाँ पे कितना हम लोग लिखे थे 8 इलेक्ट्रॉन 8 हाइड्रोजन, ठीक है, तो यही है ना HNO3, हाँ यहाँ पे क्या ले रहे हैं 8 इलेक्ट्रॉन 8 हाइड्रोजन, अब यहाँ से क्या ये NH3, ठीक है, और साथ ही साथ HNO3, ठीक, एसिड के तौर पे है ये वाला, अब ये वाला देखेंगे लास्ट वाला, ठीक है, ये वाला, तो ये क्या बन रहा है ये
अच्छा ओवरऑल रिएक्शन फिर क्या हो जाएगा, 8 इलेक्ट्रॉन 8 हाइड्रोजन, ठीक है, और ये वाला तो कैंसिल आउट हो जाएगा ये, ठीक है, किससे, इससे। अब बनेगा क्या, 2HNO3, और 2HNO3 का हम लोग रिएक्शन, सॉरी 2HNO3 किस में कन्वर्ट हो जाएगा, NH3 में, NH4NO3 में, और साथ ही साथ 3 वाटर, ठीक है। यहाँ पे जो एन है तो वो कितना आएगा आपका, 4 आएगा, नेट नेट कितना आएगा, 4, ठीक। तो बहुत ज़्यादा हड़बड़ाने की भी बात नहीं है, बस चीज़ों को हम थोड़ा थोड़ा समझाने की कोशिश कर रहे हैं कैसे हो रहा है, ठीक है। उसके बाद हाँ, उसके बाद क्या है, रिएक्शन विथ मेटल्स, ठीक है, रिएक्शन विथ मेटल्स, मेटल्स के साथ रिएक्शन। तो रिएक्शन विथ मेटल्स में क्या बोलता है कि मेटल्स जो हैं वो क्या करते हैं, हाइड्रोजन लिबरेट करते हैं इसके साथ, HNO3 के साथ, HNO3 के साथ मेटल्स क्या करते हैं, हाइड्रोजन लिबरेट करने का काम करते हैं, जैसे कि Mg, ठीक है, HNO3 के साथ रिएक्ट होगा तो क्या बन जाएगा, MgNO3 का होल टू और H2, ठीक है, क्या निकल गया, H2 यहाँ पे बाहर निकल गया। MN के साथ फिर से रिएक्शन करवाएंगे तो क्या बन जाएगा, MnNO3 का होल टू और यहाँ क्या निकल जाएगा, H2, ठीक है, समझ में आ रहा है। अब कौन कौन सा दे रहा है ये भी ध्यान में रखेंगे। तो हा मा हमाम, हमाम कैसे याद रखेंगे, हा मा मा हमाम, तो हमाम जो शब्द है ये देता है, कौन कौन सा है इसमें, तो हा, ठीक है, माम, ये Mg, ठीक है, और ये मा, दैट इज मैंगनीज, मैंगनीज, ठीक है। तो ये जो है वो आपको देखने को मिलते हैं, ठीक है, शॉर्ट ट्री कैसे हम लोग ध्यान में रख सकते हैं। उसके बाद यदि हम चले जाएं तो क्या बोलता है, मेटल्स विच आर प्लेस्ड एवब हाइड्रोजन, ठीक है, मेटल्स विच आर प्लेस्ड एवब हाइड्रोजन इन इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, ठीक है, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में हाइड्रोजन से ऊपर जो मेटल प्लेस्ड हैं, ठीक है, आयरन, ठीक है, Zn, इसका ये वाला जो आप देखेंगे, इसका यदि हम लोग रिएक्शन करवाते हैं, ठीक है, इसका रिएक्शन, ये किसके बारे में अब हम लोग देख रहे हैं, वैसे मेटल जो हाइड्रोजन से कहाँ है, ऊपर है, ये जो हाइड्रोजन था इलेक्ट्रोन सीरीज में उससे ऊपर जो मौजूद है उसके बारे में अब हम लोग बात कर रहे हैं, ठीक है। तो ये क्या बोल रहा है कि Fe है, तो Fe का क्या बन जाएगा, FeNO3 होल टू, Zn है तो Zn का क्या बनेगा, ZnNO3 का होल टू, ठीक है। अब ये वेरी डाइल्यूट HNO3, ठीक है, वेरी डाइल्यूट HNO3 के साथ यदि रिएक्शन कर रहा है, वेरी डाइल्यूट HNO3 के साथ यदि रिएक्शन कर रहा है तो फिर ये क्या बन जाएगा आपका, ठीक है, क्या बन जाएगा, NH4NO3, ठीक है। तो यहाँ पे जो हम लोग देखे थे वेरी डाइल्यूट में क्या बन रहा था, वेरी डाइल्यूट HNO3 किस में कन्वर्ट हो रहा था, NH4 और NO3 में, तो यहाँ भी उसी चीज में ये कन्वर्ट होगा। यदि हम लोग डाइल्यूट लेते हैं तो वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, N2O में, और यदि कॉन्क लेते हैं तो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, NO2+, सॉरी NO2 में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये ऊपर वाला जो हम चीज बताए हैं, ठीक है, ऊपर वाला ये वाला जो चीज हम बताए हैं, इसको याद रखने से क्या होगा ना, याद होगा कि आप कन्वर्जन आसानी से कर पाएगा, ये किसका कन्वर्जन, मतलब कॉन्क में क्या बन रहा है, ठीक है, डायलूट में क्या बन रहा है, वेरी डायलूट में क्या बन रहा है, तो ये चीज थोड़ा सा आसान हो जाएगा यहाँ पे समझना। अब जैसे कि हम किसकी बात कर रहे हैं, Fe का, Zn का, तो जैसे हम लोग यहाँ ले रहे हैं Zn+ वेरी डायलूट ले रहे हैं, ठीक है, वेरी डायलूट, तो सबसे पहले वेरी डायलूट में ये तो आएगा ही आएगा, ठीक है, तो ये देखिए ये आपका टपक पड़ा, पहुंच पड़ा, और Zn का है तो Zn के लिए क्या बनेगा, ZnNO3 का होल ट्वाइस बनेगा, कितना आसान हो गया, ये वाला ऊपर उठा के रख दिए और ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, अभी तुरंत बताएं ZnNO3 में, ये है, और फिर उसके बाद वाटर को आप बैलेंस कर लें, ठीक है, या पूरा रिएक्शन बैलेंस कर लें। अब ये पूरा मैकेनिज्म है इसका, चाहे तो ये भी वही 8 इलेक्ट्रॉन वाला जो था ना अपना, 8 इलेक्ट्रॉन 8H, अब दो लिए हैं तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, +4 में, ठीक है, +4 में, तो ये कितना लेना पड़ेगा, 4 × 2 = 8, ठीक है, इस तरीके से करके अपने को जाना पड़ेगा, ठीक। ठीक है, तो यहाँ पे कितना में हो जाएगा, HNO3 है ना, तो ये माइनस हो जाएगा इस पे, तो 3 × 6 = 7, हाँ ठीक है, कोई दिक्कत, तो ये इस तरीके से जाएगा और यहाँ पे ये किसमें कन्वर्ट है, NH4NO3, ठीक है, साथ ही साथ क्या हो जाएगा, 3H3O में, 3 वाटर में हो जाएगा। यहाँ पे आपको देखना फिर से हम दिखा रहे ये वाला, ठीक है, HNO3 में आ रहा है, +5 में था,
ठीक है, किसमें था? प्लस फाइव में, ठीक है। जाहिर सी बात है प्लस फाइव में है, तो ये कितना किसमें कन्वर्ट हो रहा है? एन टू ओ में, यानी वन में, प्लस वन में, तो डिफरेंस कितना का गया? डिफरेंस प्लस फोर का गया, डिफरेंस प्लस फोर का गया तो चूंकि दो है तो इंटू क्या हो जाएगा? टू, तो क्या हो जाएगा? एट। तो इसीलिए हम लोग क्या लिए? एट इलेक्ट्रॉन की जरूरत पड़ी और एट हाइड्रोजन की जरूरत पड़ी, ठीक है, जिससे कि ये पूरा का पूरा ओवरऑल रिएक्शन देखने को मिल रहा है। ठीक वही चीज यहाँ भी, ठीक। अब ये पूरा ओवरऑल रिएक्शन है, आप चाहें तो उसको डायरेक्ट भी कर सकते हैं, डायरेक्ट करना भी ठीक रहेगा क्योंकि ये पूरा मैकेनिज्म भी बताएं, क्योंकि ये तो बताएं कि डाइल्यूट रहेगा तो किस में कन्वर्ट होगा? NHNO3 में कन्वर्ट हो जाएगा, और ZN है तो ZNO3 का होल ट्वाइस बन जाएगा, Fe है तो FeNO3 का होल ट्वाइस बन जाएगा, तो ये सेम उसी प्रकार से पूरा आया, ठीक है। उसके बाद यदि हम Fe की बात करें तो Fe का भी सेम वही चीज़ है का Fe, ये पूरा HNO3 और ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा? FeNO3 का होल ट्वाइस में, साथ ही साथ N2O, साथ ही साथ क्या बनेगा? वाटर का फॉर्मेशन, ठीक। यदि HNO3 Fe, ठीक है, सेम वही चीज़ अब हम लोग दोबारा लिख रहे हैं, दो हाइड्रोजन लिख रहे हैं, दो इलेक्ट्रॉन लिख रहे हैं, ठीक है। जिसके साथ होगा उसी तरीके से वो पूरा रिएक्शन उसके फ्रेम में जो है हम लोग फ्रेम कर देंगे। अब Fe के साथ 4NH HNO3 हो रहा है, ठीक है, कॉन्सेंट्रेटेड, तो यहाँ पे क्या बन जाएगा? ये बनेगा FeNO3 का होल टू प्लस 2NO2 प्लस, तो ये कंप्लीट जो है वो सब वहीं से इंटरलिंक है, ठीक है, वो ऊपर जो बताए हुए। अब यदि हम बात करें SN का, तो SN के लिए क्या होगा कि जब वेरी डाइल्यूट हम लोग एसिड लेंगे तब क्या होगा? ये कन्वर्ट होगा NH4NO3 में, ठीक है, और SN जो वाला पार्ट है वो कहाँ चला जाएगा? NO3, ठीक है, NO3, और HNO3 वाला जो है वो किस में कन्वर्ट होगा? एक तो NO2 में कन्वर्ट होगा यदि कॉन्क लेते हैं तो, और बन और साथ ही साथ क्या बनेगा? H2SNO3, दैट इज स्टेनिक एसिड, ठीक है, और ये है स्टेनस नाइट्रेट SNNO3, सॉरी यहाँ पे जो बनेगा वो क्या बनेगा? NH4NO3 और साथ ही साथ SNNO3, क्या बनेगा? SN, ठीक है, NO3 का होल टू, और इसका नाम है स्टेनस नाइट्रेट, स्टेनस नाइट्रेट, स्टेनस नाइट्रेट, ठीक है, ये स्टेनस नाइट्रेट, ठीक है। तो अब याद रखने का तरीका ZnSnMg, ठीक है, FeMn, ठीक। अब ये देखो कौन कौन सा, ये हम लोग इसके बारे में भी पढ़े हैं और इसके बारे में भी पढ़े, ठीक है, ऊपर में याद है। अब इसमें क्या है? जनसंग मांगे फेमिना, जनसंग मांगे फेमिना, अब इसमें ध्यान में रखना है कि कौन कौन है इसमें, केवल जन संग और फे, ठीक है। वेरी डाइल्यूट में क्या हो जा रहा है? NH4NO3 ऐसा आपका बनता हुआ नजर आ रहा है। और नीचे क्या है कुछ शॉर्ट ट्रिक? और नीचे क्या बोलता है कि ये वाला अबे फे को नहीं करारे आलू, ठीक है, अबे फे को नहीं करारे आलू, तो ये बे बेरेलियम आयरन, ठीक है, कोबाल्ट निकेल सीआर और एल्यूमिनियम, इसमें क्या है? मेटल्स, वैसे मेटल हैं जो क्या हैं? पॉजिटिव एंड सॉरी पैसिव विथ कॉन्क HNO3 के साथ रहते हैं ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ थीन लेयर ऑफ ऑक्साइड ऑन देयर सरफेस, ठीक है, यानी कि ये एक तरह से इसके साथ रिएक्शन नहीं हो पाता, या कहेंगे तो भी बहुत कम हो पाता है। ऐसा क्यों? क्योंकि इसके ऊपर में एक पैसिव फिल्म ऑक्साइड का जो है वो जमा हुआ इनके सरफेस पे नजर आता है, इस कारण से, ये रीजन, ठीक है। मेटल्स जो है तीसरा हम लोग देख रहे हैं, मेटल्स प्लेस्ड बिलो हाइड्रोजन इन, ठीक है, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में जो बिलो हाइड्रोजन जो हैं उनके बारे में देखेंगे, तो जैसे कि कॉपर AgHgPb, ठीक है, तो कॉपर का क्या बनेगा? CuNO3 का होल टू, Ag का क्या बनेगा? AgNO3, Mg का क्या बनेगा, सॉरी Hg का क्या बनेगा? HgNO3 का होल टू, पीबी का क्या बनेगा? PbNO3 का होल टू, ये देखें, ठीक। अब यहाँ पे क्या है कि कॉन्सेंट्रेटेड HNO3 किसमें कन्वर्ट हो जाएगा? NO2 में, ये ध्यान में रखना है, यहाँ कॉन्सेंट्रेटेड NO3 किसमें कन्वर्ट हो रहा है? NO2 में, और डाइल्यूट वाला किसमें कन्वर्ट हो रहा है? NO में, डाइल्यूट वाला किसमें कन्वर्ट हो रहा है? NO में, ठीक है। अब यहाँ पे देखेंगे, अब यहाँ पे कॉन्सेंट्रेटेड आ गया, तो कॉन्सेंट्रेटेड किसमें कन्वर्ट हुआ था? NO2 में, ठीक है, कंसंट्रेटेड किस में कन्वर्ट हुआ था? NO2 में, NO2 यहाँ मिल गया, और कॉपर किस में कन्वर्ट होगा? कॉपर कन्वर्ट होगा CuNO3 का होल टू में, ठीक
ठीक है, यहाँ भी अब यहाँ डाइल्यूट ले लिए तो यहाँ क्या हो जाएगा, ये एनओ एनओ वाला हो जाएगा। यहाँ कॉन्क लिए थे तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। ठीक है, अब मेटलॉइड्स की यदि हम बात करें तो मेटलॉइड्स में एसबी और एएस के बारे में है। एसबी कन्वर्ट किस में होगा, H3SbO4 में, और एएस कन्वर्ट किस में होगा, H3SO4 में। ठीक, और यहाँ पे HNO3 कन्वर्ट किस में हो जाएगा, NO2 में। तो रिएक्शन इसके साथ ये होगा, क्या बन जाएगा, NO2 में, और बचा और ये किस में कन्वर्ट होगा, H3SbO4 में। ठीक है, एस के साथ रिएक्शन लिए तो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, H3SO4। ठीक है, ध्यान में रखेंगे कि Mg और Mn रिलीज हाइड्रोजन विथ HNO3। ठीक है, इस मतलब अभी जितना भी मेटल्स देख रहे थे कोई भी जो है वो हाइड्रोजन जो है वो बाहर नहीं निकाल रहा था, रिलीज कर रहा था। लेकिन यदि हम बात करें Mn की, ठीक है, यदि हम बात करें Mn की, मैंगनीज की बात करें, Mg की, ठीक है, तो ये दोनों हाइड्रोजन गैस रिलीज करते हैं किसके साथ, HNO3 के साथ। ठीक है, नोट के तौर पे क्या रहेगा इंपॉर्टेंट कि Au एंड Pt ओनली डिजोल्विंग एक्वारेजिया। ठीक है, Au यानी कि प्लेटिनम और गोल्ड जो है केवल और केवल जो डिजोल्व होते हैं वो एक्वारेजिया में ही डिजोल्व होते हैं, बाकी किसी एसिड में नहीं होगा। ठीक है, और एक्वारेजिया क्या होता है, तो एक्वारेजिया के बारे में भी हम लोग देख लें। ठीक है, ये भी इम्पोर्टेंट है, कभी कभी आ ही जाता है। एक्वारेजिया के बारे में बोलता है, ये क्लास 10 में भी पढ़े होंगे, 3:1 रेशियो में, सॉरी 1:3 रेशियो में होता है एक्वारेजिया। 1 रहता है नाइट्रिक एसिड और 3 क्या रहता है, HCl। ठीक है, और ये एक कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन करता है। तो कैसे बनता है, तो 3 HCl हम लोग ले रहे हैं। ठीक है, HNO3 NOCl बनता है, H2O और साथ ही साथ Cl बनता है, और Cl क्या रहता है यहाँ पे, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, और ये ऑक्सीडाइज कर देता है Au को। ठीक है, Au को ऑक्सीडाइज करके क्या बना देगा, AuCl3। ठीक है, और ये HCl जो रहता है वो HCl और HNO3, ठीक है, HCl और HNO3 1:3 में ही तो है, ये 3:9 है, तो 1:2 कितना हो गया, 3 में। ठीक, ये रिएक्ट करके क्या बनाता है, ठीक है, वाटर और साथ ही साथ Cl। ठीक, अब ये सीएल हम क्या बोले थे, ये सीएल किसके साथ रिएक्ट करेगा, ये पहला वाला हम लोग किए। ठीक है, पहला वाला मतलब पूरा रिएक्शन दिखा रहे हैं कैसे होता है। उसके बाद एयू के साथ सीएल करेगा तो क्या बनेगा, एयू सीएल। ठीक, अब यहाँ पे देखो ये एयू सीएल को हम लोग फिर से एचसीएल के साथ करेंगे तो बनाता है ये कॉम्प्लेक्स। ओवरऑल रिएक्शन क्या होगा, ओवरऑल रिएक्शन ये कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक है, ये कैंसिल आउट हो जाएगा, ये कैंसिल आउट, ये कैंसिल आउट, जो बचेगा वो यहाँ पे नजर आ रहा है। तो ये एक फॉर्मेशन का, सॉरी सॉल्ट का, सॉरी हाँ, कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन कर रहा है, जिसमें ये एक जो रहेंगे प्लेटिनम और गोल्ड कैन बी डिसॉल्व। ओके, यहाँ पे यदि हम बात करें तो यदि हम लोग ये लेते हैं, ये किसके लिए हुआ, यदि एयू गोल्ड लिए तो इस तरीके का कॉम्प्लेक्स बनेगा। ठीक है, और यदि प्लेटिनम लेते हैं, ठीक है, प्लेटिनम लेते हैं तो फिर इस तरीके का आपको क्या कॉम्प्लेक्स बनता हुआ नजर आएगा फॉर प्लेटिनम। ठीक है, यूज क्या करते हैं, तो मेजर यूज नाइट्रिक एसिड का क्या है भाई, नाइट्रिक एसिड का मेजर यूज क्या है, एमोनिया का, सॉरी एमोनियम नाइट्रेट का मैन्युफैक्चरिंग, किसका, एमोनियम नाइट्रेट का मैन्युफैक्चरिंग, और क्या, फॉर फर्टिलाइजर। ठीक है, मतलब एमोनियम नाइट्रेट किसके लिए, फर्टिलाइजर के लिए, और क्या है भाई, अदर नाइट्रेट्स फॉर यूज इन एक्सप्लोसिव, एक्सप्लोसिव बनाने के लिए यूज होता है, जैसे कि पायरोटेक्निक्स में आपका यूज होता है, TNT वगैरह। ठीक है, ट्राइनाइट्रो टॉलविन वगैरह, और इसको हम लोग यूज करते हैं किसके लिए, नाइट्रोसाइनाइड, ठीक है, सॉरी नाइट्रोग्लिसरीन बनाने के लिए, अदर नाइट्रो कंपाउंड्स बनाने के लिए, अदर नाइट्रोजन कंपाउंड्स ऑर्गेनिक में जो इस्तेमाल करते हैं वो बनाने के लिए आपका यूज होता है। ठीक है, तो ये बेसिकली है। उसके बाद ATC ऑक्सीडाइजिंग, सॉरी एन ऑक्सीडाइजर इन रॉकेट फ्यूल, रॉकेट फ्यूल में ऑक्सीडाइजर के रूप में भी ये काम आता है। बात समझ में आया, तो ये बेसिकली हम लोग जो है यहाँ पे आए हुए, इतना दूर तक हम लोग पहुँचे हैं। ठीक है, अभी आगे हम लोग बढ़ेंगे केमिस्ट्री ऑफ फॉस्फोरस की ओर। ठीक है, क्या बोलता है केमिस्ट्री ऑफ फॉस्फोरस, तो केमिस्ट्री ऑफ फॉस्फोरस में बोलता है बेटा कि ये जो है ना आपका, ये जो है फॉस्फोरस के बारे में, फॉस्फोरस जो होता है बेसिकली इसके एलोट्रॉप्स होते हैं, फॉस्फोरस के एलोट्रॉप्स। ठीक है, तो एलोट्रॉप्स ऑफ, जैसे कार्बन का होता है ना ग्रेफाइट और डायमंड, वैसे ही फॉस्फोरस का भी होता है।
फॉस्फोरस, एलोट्रॉप्स ऑफ फॉस्फोरस में क्या होता है, व्हाइट फॉस्फोरस होगा, रेड फॉस्फोरस होगा, ब्लैक फॉस्फोरस होगा, तीन टाइप के आपको फॉस्फोरस एलोट्रॉप्स ऑफ फॉस्फोरस देखने को मिलते हैं। कलर अलग अलग होता है, नेचर अलग होता है, बॉन्डिंग अलग होता है, बहुत सारे चीजें जो है उसमें डिफरेंस है। अब इसमें होता क्या है कि व्हाइट फॉस्फोरस कैसा होता है भाई, तो व्हाइट फॉस्फोरस ये इट एग्जिस्ट एज अ डिस्क्रीट P4 यूनिट, ठीक है, मोस्ट एक्टिव फॉर्म यही माना जाता है, ठीक है, मोस्ट एक्टिव फॉर्म माना जाता है। स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से है, यानी कि ये है आपका फॉस्फोरस, ठीक है, ये है आपका फॉस्फोरस, ये है आपका फॉस्फोरस, ठीक है, ये है आपका फॉस्फोरस और ये है आपका फॉस्फोरस, और दोनों के बीच में क्या है इस तरीके से बॉन्ड है, यानी कि हर एक के बीच में तीन का, और इनके इनके बीच का बॉन्ड एंगल कितना है, बॉन्ड एंगल है 60 डिग्री का, कितना डिग्री का है, 60 डिग्री, और ये सब जगह अपना क्या है, लोन पेयर है। मोस्ट यूज्ड ये वाला होता है, हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाता है, हाइब्रिडाइजेशन sp3 यहाँ देखने को मिलता है। यदि रेड फास्फोरस की बात करें, ठीक है, रेड फास्फोरस की बात करें तो ये ऑप्टेंट किया जाता है फ्रॉम व्हाइट फास्फोरस ऑन हीटिंग, व्हाइट फास्फोरस को हीट करने पे, यानी इसको यदि हम लोग हीट कर दे तो अपने को क्या मिलता है, रेड फास्फोरस अपने को मिलता है, ठीक है, व्हाइट को यदि हीट करेंगे तो क्या मिलता है अपने को, रेड फास्फोरस मिलता है, ठीक। स्ट्रक्चर यदि हम लोग देखेंगे व्हाइट फास्फोरस का, तो बेसिकली क्या हो गया कि बीच में बॉन्ड था, ठीक है, किसके बीच में बॉन्ड था, यहाँ पे, यहाँ पे ये ऐसे बॉन्ड था, ऐसे बॉन्ड था, ऐसे बॉन्ड था, और ये वाला बीच में नहीं था, किसमें, किसमें, यस आपका ऊपर वाला जो है कौन सा, व्हाइट, ये व्हाइट फास्फोरस उसमें, ठीक है, व्हाइट फास्फोरस ये तो ऐसा ही था, व्हाइट फास्फोरस तो ऐसे हो गया, ठीक है, लेकिन उसको इसमें ये तो ऐसे है, अब उसको हीट करेंगे तो फिर क्या बनेगा, क्या बनेगा, रेड फास्फोरस, ठीक है, ये देख, तो ये स्ट्रक्चर किसका है, व्हाइट फास्फोरस का, और व्हाइट फास्फोरस को जब हम लोग हीट करेंगे तो ये जो है ये यहाँ से बीच वाला बॉन्ड तोड़ तोड़ देगा और अपने वैलेंसी को सेटिस्फाइड करते हुए किनारे किनारे इस तरीके से जो बॉन्ड है वो फॉर्मेशन करेगा, ठीक है, और आपस में जुड़ते हुए चले जाएंगे पॉलीमर टाइप, ठीक है, तो ये बनेगा आपका, ठीक, तो ये स्ट्रक्चर किसका है, रेड फास्फोरस का, ठीक है, रेड फास्फोरस। ब्लैक फास्फोरस की बात करें तो ये थर्मोडाइनेमिकली जो होता है मोस्ट स्टेबल एलोट्रॉप्स ऑफ फास्फोरस माना गया है, ठीक है, थर्मोडाइनेमिकली जो है वो सबसे ज्यादा जो है वो स्टेबल माना गया है, क्योंकि बॉन्ड एंगल इसका परफेक्ट थोड़ा सा हो जाता है, कम हो जाता है, रिंग स्ट्रेन कम हो जाता है, जिसके कारण ऐसा देखा जाता है, ठीक है। तो ये दो फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, इट एग्जिस्ट इन टू फॉर्म, ठीक है, इट एग्जिस्ट इन टू फॉर्म, पहला वो कहते हैं अल्फा ब्लैक ब्लैक फॉस्फोरस और दूसरा वो कहते हैं बीटा ब्लैक फॉस्फोरस, ठीक है। तो अल्फा ब्लैक फॉस्फोरस जो है वो ऑब्टेंड फ्रॉम रेड फॉस्फोरस, रेड फॉस्फोरस से ही ये ऑब्टेंड किया जाता है, जबकि बीटा ब्लैक फॉस्फोरस जो होता है वो व्हाइट फॉस्फोरस से हम लोग क्या करते हैं, ऑब्टेंड करते हैं। अल्फा किससे करेंगे, रेड फॉस्फोरस से, बीटा किससे करेंगे, जी हाँ, व्हाइट पीस है। अब इसका स्ट्रक्चर जो है थोड़ा सा, ये इस टाइप का इसका स्ट्रक्चर हो जा रहा है, हेक्सागोनल, ठीक है, कैसा स्ट्रक्चर हो जाएगा, हेक्सागोनल, तो यहाँ पे जो इनका बॉन्ड एंगल जो है वो अच्छा खासा आपको नजर आएगा, तकरीबन तकरीबन कितना, 120 के समथिंग, ठीक है। तो एक थोड़ा सा कम ज्यादा हो सकता है, लेकिन एक तरह से स्टेबल जो है स्ट्रक्चर बनता है। यदि हम डिफरेंस बात करें व्हाइट फास्फोरस की, रेड फास्फोरस की, तो कुछ डिफरेंस जो है वो प्रॉपर्टीज में ऐसे हम लोग देखेंगे। तो प्रॉपर्टीज क्या देख रहे हैं, फिजिकल, ठीक है, कलर, ऑर्डर, सोल्युबिलिटी इन वाटर। तो बात करते हैं किसमें, सबसे पहले फिजिकल स्टेट में, तो ये वैक्स कलर का सॉलिड होता है, वैक्सी सॉलिड होता है, और ये ब्रिटल पाउडर के तौर पे होता है। ये इसका कलर कैसा होता है, व्हाइट होता है, बट ठीक है, एटलीस्ट येलो कलर ऑन स्टडिंग, ठीक है, लेकिन इसको येलो कलर भी जो है इसके बारे में बताया गया, कैसा बताया गया है, येलोसिस हल्का जो है वो भी बताया गया है, ठीक है। ये कैसा होता है, रेड होता है। ऑर्डर कैसा होता है, ये गार्लिक की तरह जो रहता है उसके तरह ये हल्का आपको ऑर्डर लगेगा। ये क्या होता है, ऑर्डरलेस होता है। ये इनसॉल्यूबल होता है पानी में। ये क्या होता है बेटा, सॉल्यूबल होता है पानी में, ठीक है। उसके बाद यदि स्टेबिलिटी इन CH2 में जाए तो ये क्या है, सॉल्यूबल रहे, ठीक है, ये सॉल्यूबल होता है। ये क्या रहेगा, इनसॉल्यूबल। स्टेबिलिटी की बात करें तो ये लेस स्टेबल, ये क्या रहेगा, मोर स्टेबल। रिएक्टिविटी की बात करें, केमिकल रिएक्टिविटी, तो ये वेरी रिएक्टिव और ये लेस रिएक्टिव, जाहिर सी बात है, ठीक है।
फॉरेंस की बात करें तो ये ग्लो इन डार्क, ठीक है, और ये क्या है, डज नॉट ग्लो इन डार्क, ठीक है। रिएक्शन विद एन ए ओ एच की बात करें तो एन ए ओ एच के साथ रिएक्शन पे ये पी एच थ्री देगा, ठीक है, और ये कोई रिएक्शन नहीं करता है। एच एन ओ थ्री के साथ रिएक्शन में क्या देगा, एच थ्री पी ओ फोर देगा, ठीक है, और ये क्या देगा, एच थ्री पी ओ फोर देगा, ठीक है। गिब्स एच थ्री पी ओ फोर, ये भी क्या देगा, एच थ्री पी ओ फोर, ठीक। बर्निंग इन एयर, एयर में बर्न करने पे क्या देगा, पी फोर ओ टेन, और ये भी क्या देगा, पी फोर ओ टेन। तो आज हम लोग यहाँ तक जो है वो ख़त्म कर रहे हैं अपना सिलेबस। कल मोस्ट प्रोबेबली जो है वो नाइट्रोजन ख़त्म हो जाएगा, फिर हम लोग आके जो है अगला फैमिली की तरफ अपना बढ़ेंगे, ठीक है। तो आज का लेक्चर छोटा सा सेशन है, ज़्यादा बड़ा नहीं है, अपने को जितना पढ़ना है पर डे उतना ही पढ़ रहे हैं, क्योंकि मटेरियल यहाँ पे लिखा हुआ है ऑलरेडी, इसलिए हमको समझाने में ज़्यादा टाइम नहीं लग रहा है। लेकिन यही बोर्ड पे प्रॉपर वे पे यदि हमको लिख करके पढ़ाना रहता तो टाइम अच्छा खासा लग जाता, ठीक है, और चैप्टर भी पढ़ा है, तो इस चीज़ का इस्तेमाल कीजिए, ठीक है, ताकि आपको पढ़ने में आसानी हो, ठीक। नोट्स जो है उसमें लगे तो वो भी हम भेज देंगे आपको, ठीक है। चलिए ठीक है, आज का सेशन यही समाप्त करते हैं, थैंक यू।